अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान टाउन में और ये तकरीबन पार्क का कोना है। पीछे शादमान टाउन फैमिली पार्क मौजूद है और ये सब कोना अभी यहाँ पे गड्ढा लगाया गया है। वाटर बोर्ड के सोहेल तैयब अतीब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं, शादमान में इतने सारे गड्ढे लग गए लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर पानी नहीं आया, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। असल में आज से 1500 पहले जब थोड़ी सी बरसात हुई थी उसमें नालों की सफाइयाँ की गई, तो टी पॉइंट है शादमान जहाँ पे डबल ए फूट होता था वहाँ पे एक नाला है, उसमें 8 इंच की लाइन हमारी क्रॉस हो रही थी, तो ड्यूरिंग नाले की सफाई में ये हमारी लाइन तोड़ दी। अच्छा, उसमें तो हमने वक्ती तौर पे उस पर गुल्ले लगा दिया लेकिन इतना प्रेशर है कि वो गुल्ले रोक नहीं पा रहा। उसमें 3-4 दिन नाला खुला रहा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाले का कचरा लाइनों में गया है। फिर उसके बाद बाहर अभी एक तो हमने क्लैम्पर लगा के नाला तो क्लियर कर लिया है वो, लेकिन हुआ उसके बाद क्या कि पूरे इलाके में शादमान की गलियाँ बंद हो गई, जगह जगह कचरा आ गया, बहुत जगहों से कचरा निकाला है, लेकिन अभी कम से कम 50% इलाका जो है ना अभी पानी से महरूम है। तो आज आने के छुट्टी का दिन है, लेबर लगाई भी है, अभी ये हम गलियाँ शादमान 14 की थी इसमें भी पानी नहीं आ रहा। इधर हमारा पानी उठ रहा है कम से कम 4 फुट लेकिन अंदर गली में नहीं है, तो हमें अभी जो छुट्टियाँ आई हैं इनमें भी हम मुसलसल लेबर लगाएंगे तो कल भी काम होगा। बाहर मेरी अब रिक्वेस्ट यही है DC साहब से, असल में हमें यहाँ पे थोड़ा पुलिस परेशान कर रही है कि वो परमिशन मांगती है हमसे, तो अभी छुट्टी होने की वजह से हम नारा लेटर नहीं किया थाने में, तो बस मैं DC साहब से बोलूँगा कि थोड़ी सी थाने में ऐसे जो बोल दें कि अभी वाटर बोर्ड काम कर रहा है हंगामी बुनियादों पर, तो हो सकता है हमारा कल इतवार का दिन है और 14 अगस्त को भी हमारी टीम यहीं पर हो, तो बस ये है कि हमें ना रोका जाए काम करने से ताकि ये मसला एक बहुत हंगामी बुनियादों पर हम ये टीम लगाई हुई है ताकि ये मसला हल हो। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आपने कि उन्होंने दरख्वास्त करी है DC साहब से, ताज सलीम साहब से, कि भाई पुलिस को वो पाबंद करें कि वो इनको ना सताएं। असल में शादमान का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो पानी से मुतासर है और पानी ऐसी जरूरत है कि अगर उसमें वाटर बोर्ड को यहाँ काम करने नहीं जाएगा तो उनके घर पानी नहीं आएगा। इस महंगाई के दौर में वो टैंकर डलवा नहीं सकते हैं, वैसे ही लोग इतने परेशान हैं, अगर वाटर बोर्ड की टीम को यहाँ से काम नहीं करने जाएगा तो एक मसला खड़ा हो जाएगा। इस निशान को दुआ में याद रखिएगा, किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।